8 तारीख को मीटिंग में क्या क्या निर्णय हुए, क्या क्या फैसले लिए और क्या क्या स्टेप उठाए जाएंगे BTUP बोर्ड या पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए। तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक के छात्रों को प्रमोट किए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और अब बैक पेपर की जो परीक्षा होगी 2 घंटे की होगी। फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम अब 27 जुलाई से, तो फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो हैं एग्ज़ाम डेट में परिवर्तन हुआ है और इसका बहुत जल्दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अपडेट, चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और जानते हैं पूरी जानकारी क्या है। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको पॉलिटेक्निक या BTUP बोर्ड की हर एक इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे और सही जानकारी के साथ मिल सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिना परीक्षा पास किए जा सकते हैं छात्र। पॉलिटेक्निक के छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जा सकता है। इसके लिए प्रधानाचार्य की एक कमेटी IIT व HBTU में लिए गए फैसले का अध्ययन करेंगी और यह निर्णय सोमवार को प्राविधिक शिक्षा परिषद की परीक्षा समिति की ऑनलाइन बैठक में लिया गया। तो जो बैठक हुई है ऑनलाइन, उसमें ये निर्णय लिया गया, ऑनलाइन पढ़ाई और छात्र के बैकग्राउंड को देखकर ही पास करने का फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा 27 जुलाई से फाइनल ईयर की परीक्षा प्राविधिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार और सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व प्रस्तावित शेड्यूल के मुताबिक 1 जुलाई से पॉलिटेक्निक खोलना प्रस्तावित है, लेकिन 21 दिन तक पढ़ाई व प्रैक्टिकल के बाद ही परीक्षा कराई जाएगी। सबसे पहले 27 जुलाई से फाइनल ईयर की परीक्षा होगी, उसके बाद बाकी छात्रों की परीक्षा होगी। तो यहाँ पे बैक पेपर की परीक्षा अब 2 घंटे की होगी और यहाँ पे परीक्षा समिति ने बैक पेपर की परीक्षा जो है इसका समय घटा के 2 घंटे कर दिया है। इसमें कुछ सवाल कम दिए जाएंगे और 3 पालियों में परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। सम सेमेस्टर की परीक्षा और वार्षिक बैक पेपर की परीक्षा कि उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन होगा। पहली बार ऑनलाइन प्रवेश पत्र भेजा जाएगा और इसको लेकर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। जिन जगहों पे दिक्कत होगी वहाँ के लिए विकल्प भी तैयार किए जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय।